कैंपियरगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने भोजपुरी समेत सात भाषाओं में फिल्म और टीवी सीरियल में काम कर चुकी अभिनेत्री काजल निषाद को मैदान में उतारा है। काजल निषाद पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। आपको ये बता दें कि फतेह बहादुर सिंह कैंपियरगंज क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। काजल निषाद अपनी और सपा की साख बचाने के लिए मेहनत करने में जुट गई हैं। काजल निषाद का कहना कि चुनाव वो नहीं, जनता लड़ रही है। वहीं काजल निषाद को अपनी जीत का पूरा भरोसा भी है। हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद व समाजवादी पार्टी कैंपियरगंज की प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो जीतेंगी तो क्या करेंगी क्षेत्र के विकास के लिए। सबसे पहले शिक्षा का स्तर, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षित होगा बच्चा तब वो अपने हक को जानेगा, आवाज उठा पाएगा, सरकार से सवाल पूछेगा, नेता से सवाल पूछेगा कि हमने आपको चुना, आपने काम क्या किया, मुझे बताइए। मेरे वोट की जो मैंने कीमती वोट आपको दिया, वोट की कीमत क्या है, आपने कितना काम किया, तो सारी चीजें शिक्षा से, शिक्षा का स्तर में हमेशा। अच्छा काजल ये बताइए कि आपकी लड़ाई जो है पूर्व मंत्री फतेह बहादुर से है, जो कई बार वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी रहे हैं, तो वहाँ उनका काफी दबदबा है। क्या लगता है कितना चुनौती होगा आपके लिए? दबदबा ही तो खत्म करना है, नेता का दबदबा नहीं होना चाहिए। नेता को उस क्षेत्र से मोहब्बत हो जानी चाहिए जिस क्षेत्र के लोगों ने उनको चुना, बार बार चुना, हर बार चुना, प्यार आशीर्वाद सहयोग दिया, उस जनता से तो मोहब्बत हो जानी चाहिए। वो तो सारे अपने लोग हो जाने चाहिए, परिवार हो जाना चाहिए पूरा क्षेत्र। कितने सालों से आप जमे हैं, पिताजी भी मुख्यमंत्री, खुद भी जो है वन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, एक बार के नीचे 6 बार के। वो जनता को तो प्यार आशीर्वाद से नेताजी को हमेशा नमन करना चाहिए। नेताजी दिखते ही नहीं है, क्षेत्र में जाते ही नहीं है। काजल निषाद आई है तब वो गाड़ी से नीचे उतरे हुए हैं, पैदल उतरे हुए, नहीं तो गाड़ी से कभी नीचे उतरते ही नहीं थे। तो दबदबा जो है उनका वो खत्म होगा, हो रहा है, जनता समझ चुकी है कि कोई आया है। काजल जी उनका 2 आरोप है, एक तो बाहरी का आरोप है, दूसरा वो कह रहे हैं कि आप डिप्रेशन की मरीज में है, क्या है ये, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है, आप जनता को पहले पूछिए ना कि आपको लगता क्या है। मंत्री जी को, इतने बड़े मंत्री जी है, बाहरी वाली जो बात कर रहे हैं, देखिए अशोभनीय बातें कर रहे हैं बाहरी, पहली जी, पहली बात। दूसरी बात, गोरखपुर बाहर है, मैं गोरखपुर की हूँ, ये मेरा ससुराल है, तो बाहर की हो गई। बेटी की जो है वो डोली से मायके से उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है, बेटी बाहर की हो गई, बहू बाहर की हो गई। मंत्री जी जो है वो खुद बौखला गए और कुछ नहीं, हार का डर उनको सता रहा है, इसलिए ऐसी वो भाषा बोल रहा है। मुकाबला है आपका, कितनी कड़ा मुकाबला है उनसे? उनसे पूछिए मंत्री जी, अब मुकाबला कड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई आया है कि नहीं आपको टक्कर देने, उनसे पूछिए। ठीक है, ये थी हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद व समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कैंपियरगंज से, जिन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से जो है जनता के विश्वास को खड़े उतरेंगे और आने वाले समय में हमारी जीत पक्की है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।